दोस्तों बांग्लादेश ने 26 रन पे 6 विकेट खो दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ने बांग्लादेश ने ना ये स्कोर बहुत तक और पाकिस्तान को लीड देने के लिए सिर्फ 12 रन ही छोड़े। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लिटन दास ने। लिटन दास एक ऐसे खिलाड़ी है ना जो दिन प्रतिदिन ना अपनी गेम को और भी ज्यादा निखार रहे हैं। दोस्तों लिटन दास ना एक टाइम पे ऐसा था ना कि लिटन दास को सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए ही एक प्लेयर समझा जाता था। वो ओपनिंग करते थे बांग्लादेश के लिए, T20 फॉर्मेट में वो तेजी से रन बनाते थे, तो वो एक T20 फॉर्मेट के भी प्लेयर बन के रह गए थे। लेकिन अभी कुछ महीनों से लिटन दास ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी बहुत ज्यादा दावेदारी पेश की है। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का नुमाइरा पेश किया है और बहुत ज्यादा बेहतरीन, और एक ऐसे बल्लेबाजी की ना इस नंबर पे बल्लेबाजी करना ना बहुत ही ज्यादा कठिन का काम होता है। छठे या सातवें नंबर पे इस टाइम पे ना आपको लोअर ऑर्डर के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ती है, आप प्रेशर में बल्लेबाजी करनी पड़ती है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको ये भी देखना होता है कि लोअर ऑर्डर में ऐसा कोई भी है कि नहीं है जो साथ में टिक सके, क्योंकि कभी भी विकेटें गिरती रहती है ना लोअर ऑर्डर के साथ। तो वही लिटन दास जिस पोजिशन में खेलते हैं ना वहां पर खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन लिटन दास ने दोनों टेस्ट मैच में ये साबित कर दिया कि उन पे जो भरोसा जताया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो सही जताया है, और बांग्लादेश के लिए लिटन दास ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी करके दिया है। और पहले टेस्ट मैच में तो किया ही किया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में ऐसी सिचुएशन में ना जहां पे उनकी 138 रन की जो पारी आई है ना वो ही शानदार रही। मेरा मानना है कि अभी तक के जो उनका टेस्ट करियर है या इंटरनेशनल जितना भी क्रिकेट खेला है ना क्रिकेट करियर में सबसे ज्यादा बेहतरीन पारी ये वाली पारी थी जो 138 रन की रही थी पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश को यहां तक ले जाना और सिर्फ 12 रन की ही मामूली सी लीड देना, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश कहीं फॉलो ऑन पे मजबूर ना हो जाए, क्योंकि 26 पे 6 विकेट गिर गए थे, सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो गए थे। तो ऐसा सोचना चाहे किसी भी टीम के लिए तो थोड़ा बहुत चलता ही है कि 26 पे 6 अभी फॉलो ऑन करने के लिए भी बहुत चाहिए, 100 से ऊपर रन बनाने थे। लेकिन हर कोई सोच रहा था कि बांग्लादेश शायद फॉलो ऑन ही खेल पाएगी, लेकिन उसके बाद मेहदी हसन मिराज और लिटन दास की जो 200 रन की पार्टनरशिप थी ना इसने ही पूरी तरह से मैच को पलट के रख दिया। और लिटन दास की ये पारी ना वन ऑफ द बेस्ट नॉक थी उसके उनके क्रिकेट करियर की 138 रन की पारी के लिए यार, ऐसी सिचुएशन में जहां पे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इतने ज्यादा हावी हो रहे थे बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर और 6 विकेट जल्दी ही गिरा दिए थे, और उसके बाद भी बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी, बहुत ज्यादा बॉल ऊपर उछल रही थी, लेकिन उसके बाद भी लिटन दास ने हार नहीं मानी। तो लिटन दास एक ऐसे खिलाड़ी है ना अनसंग हीरो है बांग्लादेश के लिए। हम साकिब उल हसन रहीम की बात करते हैं या फिर तमीम इकबाल की बात की हमने, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों की बात की है, लेकिन हमेशा लिटन दास की कभी किसी ने बातचीत नहीं किया है। लेकिन लिटन दास एक अनसंग हीरो जो होते हैं ना जो कि सब कुछ कर जाते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता, वैसे हैं बांग्लादेश के लिए लिटन दास। और हर इनिंग में हर टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग और भी ज्यादा मैच्योरिटी दिखती है उनकी बैटिंग में, और भी ज्यादा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं एज अ एक्सपीरियंस प्लेयर, वो समझते हैं कि मुझे कैसे खेलना है, बांग्लादेश को कहाँ तक ले जाना है। वरना 26 पे 6 आउट होने के बाद इतना प्रेशर में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं पेशेंस में रहे, धैर्य नहीं खोया, विकेट ऐसे नहीं दिया अपना और अंत तक रहे, 138 रन की पारी खेली जो बहुत शानदार पारी रही लिटन दास की। तो उनके लिए यार बहुत बढ़िया यार, उनके लिए तो ताली तो बनती भी है, लिटन दास के लिए बहुत बढ़िया पारी और अपने टीम को बचाया। और इस टाइम पे ऐसा लग रहा है ना कि बांग्लादेश भी ये मैच जीत सकती है, क्योंकि 9 रन पे ही 2 विकेट निकाल दिए हैं बांग्लादेश के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के। तो ऐसा अभी भी हो सकता है कि बांग्लादेश भी ये टेस्ट मैच जीत के क्लीन स्वीप कर दे सीधा सीधा पाकिस्तान को 2-0 से, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सरदर्दी बनी हुई है। शान मशहूर भी शायद इंजर्ड हो चुके हैं, तभी वो ओपनिंग करने नहीं आए, पता नहीं वो बल्लेबाजी करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, और देखने वाली बात होती है। कल का दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। दोस्तों आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।